अगली खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले में बुधवार सुबह 5 बजे 55 वर्षीय एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम कमरू जम्मा है, वह चिल्हिया थाना क्षेत्र के कोल्हवा गांव का निवासी है। कमरू जम्मा को गोली गांव की मस्जिद में उस समय मारी गई जब वो नमाज पढ़ने गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर अहम क्लू मिलने का दावा किया है कि जल्द ही घटना के पर्दाफाश की बात कही है। बुधवार की सुबह कोल्हवा गांव के लोगों में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाई की गोली मारकर हत्या की खबर सुनी। ग्रामीणों के अनुसार मृतक कमरू जम्मा ने हमेशा की तरह आज सुबह मस्जिद में फर्ज की अजान दी। लोगों ने उनकी अजान देने की आवाज भी सुनी। अजान के कुछ देर बाद लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। लोगों ने इस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद जब और नमाजी मस्जिद में आए तब उन्हें घटना की जानकारी हुई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। घटनास्थल पर मौजूद अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने दावा किया कि घटनास्थल से पुलिस को अहम सबूत मिले हैं और जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सर, आज सुबह में एक आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई, पूरा मामला क्या था और इसमें अभी क्या प्रोग्रेस क्या है? जनपद सिद्धार्थ नगर का थाना चिलिया है, उसके कोल्हवा गाँव में एक मस्जिद है जिसमें एक कमरू जमा नाम के व्यक्ति हैं। लगभग 55 साल उम्र है इनकी और प्रतिदिन की तरह ये नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे और ये नमाज़ पढ़ने के लिए आ आए हुए थे और पीछे से आ करके किसी ने फायर करके इनकी हत्या कर दिया। इसमें सूचना मिलने पर तत्काल हमारी स्थानीय पुलिस, हमारे क्षेत्राधिकारी सौरतगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर और पूरे SO मोहाना कपिलवस्त और पूरी टीम हमारी यहाँ पर पहुँची है। आसपास हम लोगों ने सभी सैंपल कलेक्ट किया, हमारी फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है और क्राइम सीन से हम लोगों ने कनेक्ट किया है और बहुत महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई है किसने घटना किया है और बहुत जल्दी हम उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे।